नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। ताम्रध्वज साहू ने लगाए अफसरों की क्लास, शिक्षकों के प्रमोशन में गड़बड़ी, अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी। बिलासपुर में जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की क्लास लगाए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों से पूछा कि प्रमोशन में गड़बड़ी की शुरुआत बिलासपुर से हुई। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इसके लिए दोषी कितने अफसरों पर कार्रवाई की गई है। मंत्री को बताया गया कि इस मामले में जॉइंट डायरेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड किया गया है। तब उन्होंने पूछा कि अब किसकी बारी है। अनियमितता से नाराज मंत्री ने कहा कि सुधर जाओ, जिस जगह पर काम कर रहे हो उसकी गरिमा का ख्याल रखो। बैठक में उन्होंने शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बुधवार की शाम प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए जनता को लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री साहू ने कहा कि जिले में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र, राशन दुकान एवं ग्राम पंचायत कार्यालय भवन विहीन नहीं होनी चाहिए। योजनाओं के कन्वर्जन से एक कार्य योजना तैयार कर जल्द से जल्द सभी के लिए शासकीय भवनों की व्यवस्था किया जाए। प्रभारी मंत्री ने स्कूल मरम्मत के कामों में आरएएस विभाग द्वारा किए जा रहे देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाए। उन्होंने इनके कामों का औचक निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामों में खाली पड़े जमीनों को खेल मैदान के नाम पर आरक्षित रखने के निर्देश राजस्व अफसरों को दिए। स्कूल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन दर्ज करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी स्कूल एकल शिक्षकीय नहीं होने चाहिए। बेतरतीब स्थानांतरण के कारण यदि कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई हो तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के जरिए और शिक्षकों की व्यवस्था करें।